ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। एक वड्डी खबर मनी जा रही है बठिंडा शहरी तो श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। तो ऐलान जो है साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों किया गया है। किसी कारण करके सुखबीर सिंह बादल नहीं पहुंच सके, जिस करके उन्होंने कहा कि मैं ऐलान कर दी हाँ कि बठिंडा शहरी तो सरूप चंद सिंगला जो ने वह श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार होंगे 2022 दी चोणों वेले। तो पेट्रोल डीजल दीआं वधीआं कीमतां खिलाफ कांग्रेस वल्लों अज हल्ला बोलिया गया है। केंद्र के खिलाफ सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की अगवाई दे विच केंद्र सरकार खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। पंजाब च पेट्रोल 100 रुपए तो पार हो चुका है तो पेट्रोल दीआं वधीआं कीमतां खिलाफ यह प्रदर्शन जो है यह किया गया है। वख-वख थावां दे उत्ते केंद्र खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरां मोहाली दे विच भी सामने आईआं ने। बलबीर सिंह सिद्धू सेहत मंत्री ने उन्हां दी अगवाई दे विच यह प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां जो ने वधियां ने उसके खिलाफ जो केंद्र के खिलाफ यह प्रदर्शन होया है ते प्रदर्शन दे विच सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू मौजूद रहे ने, क्योंकि डीजल की मार जे असी कहीए तो किसानां दे उत्ते भी पै रही है। ट्रैक्टरां दे विच डीजल की काफ़ी खपत हुंदी है, जिस तो किसान भी कितने बेहाल ने। तो उधर ट्रक ओपरेटरां की गल करिए भी कितने ना कितने बेहाल दिखाई दे रहे ने। जो यह पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां च वाधा होया। ते पंजाब कांग्रेस ने केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया है। तुहानूं दस दईए कि मोगा च विधायक हरजोत कमल की अगवाई दे विच प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल ते डीजल दे रेट घटाउण की मंग की जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार नूं चेतावनी भी दे दित्ती है, पेट्रोल ते डीजल दे रेट घट नहीं होए तो संघर्ष होर तेज़ होवेगा। जो 50-55 रुपये लीटर सीगा डीजल, अज 92 रुपये से कुछ डीजल हो चुके हैं। जेड़े के किराए है कि बिल्कुल कोई किसी तरह की वधे नहीं, महंगाई इन्नी वध चुकी है। जड़िया दालां दूलां होर भी गरीबों को लेना वाला हैगा, वो कह रहे हैं भी किराया से पाया जा रहा इन्ना डीजल का हैगा। पर इत्थे साढ़े को 800 ट्रक है, 800 ट्रक चो 400 ट्रक खड़ चुका है, जिन्हां को पैसे है नहीं गए डीजल पाउण वास्ते। डीजल इन्ना महंगा हो चुका जेड़ा के ट्रक वालों का लक तोड़ के रखता से ट्रक घरे खड़िया के रखते हैं। उन्होंने बयान आया बीजेपी सरकार का भी असी लोग मार रहे हैं, जो कि आम लोगों की इन्होंने कमर तोड़ती है। 100 रुपये पेट्रोल पा के बंदा कितने जाऊगा? साढ़े डीजल भरा सारे ट्रक ऑपरेटर इतने कट्ठे हुए हैं। मैं स्पैशल वेन्यू यही रखा भी जी ट्रक इंडस्ट्री है सारी डिफॉल्टर हो चुकी है। बैंकों ने अपने दरवाजे ट्रकों वाले बंद कर दिए है। साढ़े इतने ट्रक भरा जिहड़ा नूं अगे 2015 बच जाता गेड़े का, असं उस तो भी वांझे हो गए हैं। तो पंजाब विच बिजली संकट चल रहा है, तो जिस कारण सरकार ने सरकारी दफ्तरां दा समां सवेरे 8 बजे तो दुपहरे 2 बजे तक दा कर दिता है। पर नाभा दे सरकारी दफ्तरां दा हाल कुछ होर ही है। इत्थों दे SDM दफ्तर विच मुलाजम तो कोई भी मौजूद नहीं, पर दफ्तर विच पक्खे अते लाइटां चालू ने। इस दफ्तर दा हाल देख लो, तुसीं सोच सकदे हो कि दूजे दफ्तर जो सरकारी ने उन्हां दा की हाल होवेगा। ये तस्वीरां जो ने यह सामने आईआं ने। अच्छा,
मौसम विभाग ने कहा कि कुछ दिन बाद लोगों को गर्मी तो राहत जरूर मिलेगी। पंजाब दे विच बिजली कटा अते वध रही गर्मी तो लोग परेशान ने अते मीह भी नहीं पै रहे, जिस करके गर्मी का कहर लोगों ते टुट रहा है। पर पीएयू दे मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते तो पंजाब विच मानसून पूरा एक्टिव हो जाएगा, मीह पवेगा, बदलवाई रहेगी, ठंडिया हवावां चलनगियां। इस नाल जिथे लोगों को गर्मी तो काफ़ी राहत मिलेगी तो किसानों को भी राहत मिलेगी। मैम जिमें कि मौसम के बीच देखा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी जी पैनी शुरू हो गई है, कि लगता है कि आने वाले दिनों लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल, चांसिस तो है क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि दिनों दिन जो टैंपरेचर है वह काफ़ी बढ़ रहा है। कल जो असी कल की गल करते हैं तो लुधियाने का जो टैंपरेचर है वह 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, पर पंजाब दे विच फिर भी 44 डिग्री तक जो टैंपरेचर है वह कल रिकॉर्ड होया। सो गर्मी का पूरा कहर जोड़ा वो चल रहा है, पर चांसिस है कि अगले हफ्ते काफ़ी सानू राहत मिल सकती है। सो आपां उम्मीद हैगी है कि जिहड़ा 5 to 7 July दे विच चंगी बारिश पंजाब दे विच हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सारे जिहड़े एरिए ने जिहड़े हले तक नहीं कवर हो पाए तो उदों बारिश होएगी, तो ये सारे जिहड़े अपनियां स्टेट्स ने उन्हां दे विच मानसून अपना पूरा लपेट लै लेगी और चंगी बारिश दे विच जिहड़े किसानां नूं भी इहदा फायदा होएगा। तो जलंधर की कैमिकल फाइबर फैक्टरी आर के ट्रेडर्स में वीरवार देर रात भयानक अग लग गई। मैकेमिकल करके कुछ ही मिनटों के जो अग सी वह फैल गई है, सब कुछ नष्ट कर दिता। फायर ब्रिगेड दी गड्डियां मौके पर पहुंचियां अते देर रात ही अग पर काबू पा लिया गया। जो प्रतख दर्शी ने उन्होंने दसाया कि समान का काफ़ी नुकसान होया है, पर कुछ समान जो है बचा भी लिया गया, पर फैक्टरी है जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। यह तस्वीर तुम देख सकते हो जिस विच फैक्टरी जो है उसका काफ़ी नुकसान होया। तो नवांशहर तो एक खबर सामने आई है जिथे कि शमशान घाट चो एक नौजवान की लाश मिली है। सूचना मिलने तो बाद पुलिस मुखी वालों पुलिस पार्टी समेत मौके पर पहुँच के लाश को अपने कब्जे च लै लिया है। दस दिए कि मृतक की पछाण बख्तावर सिंह वासी कनौर वजो हुई है। तो मृतक के परिवारक मैंबर ने दसाया कि मृतक बचपन तो ही गलत संगत का शिकार हो गया। फिलहाल 174 की कार्रवाई करके पुलिस जो लाश को पोस्टमार्टम लिए भेज दिता है। कल मुखी लकी से 2021 शमशान घाट रोड विखे एक अनोन नौजवान की जी गड़बड़ी मिली थी, उसकी शनाख्त लिए मतलब घंटे नवांशहर हफ्ता रखा गया, जिसकी अस वह शनाख्त हो गई है। उसका नाम बख्तावर सिंह पुत्र जगवीर सिंह वर्ष कनौन वालों हुई है, जिसके वारसा के बयान हासिल करके नीमधारा 174 CRPC कार्रवाई करके सो खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी है। तुसी देखते रहो जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। सत श्री अकाल।